हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमल किशोर कोटी फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ रेजिडेंशियल स्कूल शिवपुरी एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट प्रीपोजिशन। डू यू नो प्रीपोजिशन? नो नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स शब्द का अर्थ देखे तो इसका देखिए दो शब्द से मिलकर के ये शब्द बना है प्री और धन पोजीशन। तो प्री माना होता है पहले और पोजीशन माना होता है सिचुएशन है या स्थिति, ठीक है ना, स्थिति कह सकते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो प्रीपोजिशन हम दूसरे शब्दों में देखें, वास्तव में देखें तो प्रीपोजिशन हम उसको कहेंगे कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन के बीच में या नाउन और एडजेक्टिव के बीच में कोई रिलेशन बताता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे देयर इज ए टेबल देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। तो देखो ध्यान से, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, कॉमन नाउन। इन दोनों के बीच में ये संबंध रिलेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। या और देख लेते हैं एक एग्जांपल, आई एम इन द रूम। अब देखिए ध्यान से, ये प्रोनाउन है और ये रूम कॉमन नाउन है। इन दोनों के बीच में ये शब्द जो है रिलेशन पैदा कर रहा है, इसी शब्द को हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्लियर? तो कहने का मतलब ये तो मैंने आपको शब्द का अर्थ बताया था प्री और पोजिशन। अब प्रीपोजिशन वैसे भी देख सकते हैं, जैसे ये रूम आया, इसके पहले ये वर्ड है, इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। इन आ जाता है, आउट भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, इस तरीके से ये शब्द जो है नाउन से पहले आ जाए ये, तो इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। ये शब्द के आधार पर है, अर्थ के आधार पर कह सकते हैं, लेकिन हम लॉजिकल पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। लॉजिकल कहता है कि ये वर्ड जो है नाउन या फिर प्रोनाउन नाउन के बीच में या प्रोनाउन प्रोनाउन के बीच में भी कोई संबंध स्थापित करता है, रिलेशन क्रिएशन करता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। दूसरे शब्दों में भी हम ले सकते हैं, यानी कि ऐसा शब्द जो किसी भी नाउन की पोजीशन को, चाहे वो अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये ऐसी पोजीशन को दर्शाता है, तो उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, सी इज कुकिंग फूड ऑन गैस। इस तरीके से देखिए, जैसे शी इज कुकिंग फूड, ये फूड है नाउन है और ये गैस भी नाउन है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित किया है इसने, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। और देख लेते हैं, शी इज प्लेइंग
आउट ऑफ द रूम। ये देखो ये आउट आया, आउट ऑफ द रूम। तो ये भी जो है प्रीपोजिशन है, इसकी पोजिशन को दर्शा रहा है। किसकी? ये इसकी, इसकी पोजिशन को बता रहा। ये कहां पर है? रूम के बाहर। वेल और भी देखते हैं, चलो। द चाइल्ड इज बिहाइंड द टेबल। इसको देख लीजिए, तो ये बिहाइंड वर्ड है, बिहाइंड मान पीछे, तो ये टेबल और चाइल्ड ये दो नाउन है। तो ये दोनों नाउन के बीच में है, ये रिलेशन क्रिएशन कर रहा है, बता रहा है रिलेशन को, ये कि ये चाइल्ड कहाँ पर है, इसलिए हम इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। क्लियर? मुझे आशा है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे मैं आपको क्या है, एक एक करके ऐसे जो बहुत सारे प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन खास तौर से देखें तो दो देखें। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, और एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, या हम जो ये भी कह सकते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। तो कंपाउंड माने होता है दो शब्दों से मिलकर के एक प्रीपोजिशन बन जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का क्या यूज है ये भी देख लेते। तो प्रीपोजिशन से जोड़ करके किसी भी मेन वर्ब में या किसी और अन्य शब्द में जोड़ करके, और प्रीपोजिशन जोड़ करके नया फ्रेज बन जाता है, ठीक है ना। जैसे फ्रेज भी बनते, जैसे मैं बता दूँ कम टू, अच्छा नया शब्द बनेगा, टू जुड़ गया इसके साथ में, तो इसका नया अर्थ निकलेगा। कम टू माना होता है उसमें आ जाना। इसी तरीके से होता है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप है ये आप प्रीपोजिशन है, इसके साथ जोड़ करके नया वर्ड बन गया, तो ये फ्रेज बन जाती है बहुत सारी। तो ब्रिंग अप माना होता है लालन पालन पोषण करना। इसी तरीके से गेट अप बोल होता है, गेट अप माना उठ जाएगी। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन जोड़ करके नए नए शब्द बनते हैं, इनको हम फ्रेज भी बोलते हैं। तो ये फ्रेज बन जाती है, बिना प्रीपोजिशन के हम कोई फ्रेज नहीं बना पाएंगे या कोई अच्छे बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा महत्व है और इसको समझना अति आवश्यक है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत सिंपल, जैसे मैं आपको दो चार उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे इन आउट और ऑन और टेल, इस तरीके से कह सकते हैं। और ये सिंपल है क्योंकि एक सिंगल वर्ड के बने हुए, इसलिए इनको प्रीपोजिशन सिंपल कहेंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में या कंबाइंड में कहेंगे, जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, या दूसरे तरीके देखें तो जैसे बिहाइंड, दो शब्दों से मिलकर बना है बी और प्लस हैंड, इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ है या फिर कम टू फ्रंट है, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो वो बड़े होंगे। जैसे ये अंटिल भी कहेंगे, इस तरीके के हम जो है इसमें कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े जो प्रीपोजिशन होते हैं उनको रखते हैं। लेकिन इनका हम एक एक करके यूज करेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। भी हैंड भी है और मेन फ्रंट है, तो इस तरीके के जो प्रीपोजिशन हैं एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें जी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, अभी ये भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, पूरे पढ़ेंगे तो हमें उसमें टाइम लगेगा। तो मैं एक सीरीज बनाऊंगा, जैसे ये मान के चलिए आप प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट है, तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट में क्या इंट्रोडक्शन हुआ है कि आखिरकार ये प्रीपोजिशन होते क्या है, तो इनको हम जान लें। मैंने आपका इसका इस्तेमाल करना भी बताया, इसलिए आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इंट्रोडक्शन आपको हो गया होगा।
और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको है, जिसके आए इन है, ओवर है, आउट है, ये भी आए डेटल है, अंटल है, ये मैं जो बहुत सारे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो थैंक यू टू वॉच माई दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको ये प्रीपोजिशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये प्रीपोजिशन पार्ट टू में। इसलिए वॉच माई वीडियोज और कीप वॉचिंग माई वीडियोज सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लर्निंग। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।